दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच टेंशन्स लगातार बढ़ रही हैं। इस बीच यूएसए की खुफिया एजेंसी सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहिन ने ये खुलासा करते हुए बताया कि शी जिनपिंग ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्डर दिए हैं कि वो 2027 तक ताइवान को कैप्चर करने की तैयारी कर लें। हालांकि रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि चाइना अगर ताइवान पर अटैक करता है तो यूएसए मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा। यहाँ कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चाइना अपने 2027 टाइमलाइन को फॉलो करता है तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। उसका पहला कारण है कि ताइवान को कैप्चर करने के बाद चाइना ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई को कंट्रोल करेगा, जिससे भारत को नुकसान होगा और भारत के एक सेमीकंडक्टर हब बनने के एम्बिशन को भारी नुकसान पहुंचेगा। दूसरा कारण है कि ताइवान के ऊपर चाइना का एक सक्सेसफुल एनेक्सेशन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चाइना के अग्रेशन को बूस्ट करेगा। दोस्तों, आपके लिहाज से एक एक्चुअल टेकओवर की सिचुएशन में यूएसए का क्या स्टैंड रहने वाला है चाइना ताइवान को लेकर?